कौन से हैं। ये स्थान नाम गरुड़ गोविंद है। ये स्थान का नाम है ब्रज। जो ब्रज शब्द है ये एक संस्कृत वर्ड है। ब्रज मतलब होता है गतौ वा चलती, मतलब जो एक स्थान पर नहीं, क्योंकि इनका जो मूल धन ये गैया है, हैं? इसलिए जब एक जगह पर रुकते थे लेकिन वहां के जब घास खत्म हो जाता था फिर वहां से दूसरे जगह पर, दूसरे से तीसरे जगह पर, इसलिए इसका नाम ब्रज मतलब गतौ वा चलती, जो चलती रहती है, जो गति करती है। इसलिए कृष्ण जब गोकुल में 3 साल 4 महीना तक रहे, जब कृष्ण वहां पर पुतना अघासुर आदि वध किए, लेकिन जब उन्होंने ये जमलार्जुन पेड़ जब टूटा उसी को बाद में ब्रजवासियों ने एक मीटिंग की, बोले देखो लगता है ये गोकुल हमारे रहने का लायक नहीं रह गया। पहले तो सकटा पुतना आ गई, फिर सकटासुर आ गया, फिर तृणावर्त आ गया, पहले तो दैत्य लोग हाथ धो करके लाला को पीछे पड़ गए थे, अभी तो यहाँ के पेड़ भी अपने आप टूट टूट करके लाला के ऊपर गिरने लग गया। इसका मतलब है कि जो गोकुल ना ये हमारे रहने का लायक नहीं रह गया, इसलिए फिर हम यहाँ से और कहीं चलते हैं। उनको जो सर्वश्रेष्ठ जो गोप उपानंद था, बोले देखो ये पास में जमुना का ठीक उस पार में एक सुंदर वन है जिसका नाम श्री वृंदावन है, जहाँ पर जमुना कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है, और जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बड़े सुंदर सुंदर मैदान है, और गैया को खाने के लिए बड़े सुंदर हरी हरी घास है, और जहाँ पर वृक्ष में तरह तरह का फल फूल में एकदम भरे हुए है। ब्रजवासी खुश हो गए, बोले आज ही अजा पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, हम सबके सब श्री वृंदावन धाम में गमन करेंगे। इतने में जितने बड़े बूढ़े थे उनको तो बैलगाड़ी में बैठा दिया, और जितने जवान थे सबके सब गैया को लेकर, नंद बाबा का तो 11 लाख गैया है, वृषभानंद महाराज का 9 लाख गैया, वृषभानंद महाराज का 11 लाख गैया, फिर दूसरे दूसरों को भी गैया। वहां जब आ रहे थे इतना सुंदर वर्णना कर रहे, जैसे सफेद जब गैया चलती थी लगता था स्वयं गंगा जैसे चल रही है, जब जितने काली गैया जब एक साथ में चलती थी लगता था जैसे यमुना नदी बह रही है, और एक बैलगाड़ी में मैया जसोदा रोहिणी और कृष्ण बलराम, ये बच्चे है ना 3 साल 4 महीना के। अभी कृष्ण रास्ता में जो कुछ देखे मैया को प्रश्न कर, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें बड़े बड़े दाढ़ी हैं, बोले लाला इसका नाम बरगद पेड़ है। थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया ये पेड़ का नाम क्या है जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं, बोले लाला ये पीपल पेड़ है। बोले मैया इतने सुंदर जो कुहू 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 को आवाज आ रही है, मैया ये कौन सा चिड़िया है, बोले लाला इसका नाम है कोयल। बोले मैया 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 मैं देख देख कितने सुंदर चिड़िया है जिसके शरीर में बड़े चित्रकारी है, बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है, बोले लाला इसका नाम मोर है। बोले मैया एक का तो पूछ है और एक का पूछ नहीं, ये क्या है, बोले लाला जिसका पूछ है ना ये पुरुष है, और जिसने जिसका पूछ नहीं ये स्त्री है। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे है, बोले लाला ये जो बिना पूछ वाली है ना ये पूछ वाल की बहू लगती है, इसकी ये बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख कितने सुंदर जानवर जिसका शरीर में बड़े चित्रकारी है, बोले मैया ये जानवर का नाम क्या है, बोले लाला इसका नाम हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग और एक का सींग नहीं, बोले मैया ये क्या है, बोले जो सींग है ना ये पुरुष है और जो सींग नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे हैं, बोले लाला जो बिना सींग वाली है ना वो सींग वाली की बहू लगती है। बोले मैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ है, इसलिए इसलिए कभी कभी कृष्ण है ना ब्रज में कभी कभी कृष्ण मचल जाते हैं, कृष्ण मैया मेरे को शादी करा दे, कहते ना राधा किसी खोरी सी बिरज की छोरी सी, उसके बाद में मैया करा दे मेरे ब्याह, इसलिए मैया मेरी शादी करवा दो, कई कई पुराण में वर्णना आता है। बोले मैया अभी मेरे को बहू ला करके दे, नहीं तो यहाँ से मैं चलूंगी नहीं, यहाँ से मैं नहीं चलूंगा, अभी अभी बहू ला करके दे। इतने में इतना गोपिया बड़ी बड़ी गोपिया ना और घूंघट निकाल करके बैठे, बल बल छाट ले, कृष्ण जाकर के गुड़िया को दिए मेरी बहू, बोले ये तेरी बहू चल है। इसलिए कृष्ण यमुना नदी पार करते हुए श्री वृंदावन में आते हैं। जब वृंदावन में आए
बोले उत्तमा प्रीति। जब वो वृंदावन में आए, यहाँ पर कहते हैं कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ। बोले क्यों आनंद हुआ है, कारण क्या? बोले कारण है अभी तक कृष्ण गोकुल में बात्सल रस आस्वादन की, अभी कृष्ण वृंदावन में आकर के अभी वो श्रृंगार रस का आस्वादन करेंगे, ब्रज गोपियों के साथ में लीला करेंगे। और वृंदावन है क्या चीज, बोले अभी सुन रहे थे ना, ये वृंदावन और कुछ नहीं, ये राधा रानी ही, राधा जी का एक नाम वृंदा है, इसलिए वृंदावन मतलब ये श्री राधा रानी का वन है। ये वृंदावन क्या, ये राधा रानी स्वयं अपना हृदय को ही ये वृंदावन रूप में प्रकाशित की, जो श्याम सुंदर का ये क्रीड़ा भूमि बने और जहाँ पर कृष्ण आकर दिव्य रास करेंगे। इसलिए वृंदावन में आकर के कृष्ण बलराम को बड़ा आनंद हुआ, आकर कहीं कहाँ रुके, बोले यहीं पर रुके। इसलिए इस स्थान का नाम है छठी करा, इसका दो अर्थ, छठी करा यहाँ पर छठी की पूजन भी करवाते हैं और सकटम अर्ध चंद्रवर, यहीं पर आकर के बैलगाड़ी को, छकट गाड़ी को अर्ध चंद्र जैसे करके, यहीं पर ब्रजवासी लोग यहीं पर पहले रहे। जब रहे कृष्ण, जब थोड़ी सी 4 साल के हुए ना, एक दिन कृष्ण और दाऊ भैया मचल गए। बोले बाबा बाबा हम गैया चरवाएंगे। बोले गैया चरवाओगे, अभी उम्र तुम्हारी 4 साल की उम्र है, अभी क्या गैया चराओगे, हमारे घर में क्या नौकर चाकरों का कमी, तुम्हें गैया चराना पड़ेगा, गैया चराने का जरूरत नहीं। बोले नहीं बाबा, हम ग्वाला है और आप तो वृद्ध हो गए हैं, आपको अभी घर में बैठकर भजन करनी चाहिए, और हम बच्चे बड़े हो गए, अगर बड़े बच्चे बड़े हैं, पिता माता बड़े बूढ़े होकर काम करता है, अच्छा लगता है थोड़ी है। नंद बाबा तो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, मेरे लाला कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे है मेरे लाला। नंद बाबा तो बड़े खुश हो गए। बोले देखो तुम्हें गैया चराने की जरूरत नहीं, पहले बछड़े को चरवाओ, लेकिन पहले गर्गाचार्य जी को बुलाओ, सांडिल ऋषि को बुलाओ, कहीं अच्छा दिन को निकलवाए। फिर उन्होंने गोपाष्टमी दिन, बढ़िया दिन गोपाष्टमी, कार्तिक महीना में ये गोपाष्टमी दिन को उन्होंने चुने। आज का दिन कृष्ण गैया बछड़े चराने के लिए जाएंगे, बछड़े चराने आस पास में जाकर घूम घाम कर नाच कूद करते हुए आ जाओगे। इतने में मैया जसोदा कहती, बोले लाला तेरे को देखे बगैर मैं कैसे रहूंगी, हैं? तेरे को देखे बगैर मैं प्राणी धारण नहीं कर सकती हूँ, तू तो मेरे आंखों की तारा हो। कृष्ण बहाना बनाते, बोले मैया मैं जब सखाओं के साथ में खेलता हूँ थोड़ी तेरे पास में रहता हूँ, मैं तो दूर में रहता हूँ। बोले लाला जब रहते तो दूर में, लेकिन जब बच्चों के साथ में बच्चे खेले ना, बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं, हैं, किलकारी मारते हैं। बोले घर में तो रहती हूँ मैं, लेकिन तुम जब किलकारी मारते हो ना, वो आवाज मेरे कान में पड़ता है और इससे मेरे को तसल्ली मिल जाती है। बोले चिंता मैया कोई चिंता मत करो, भले ही मैं जितने दूर पर मैं बछड़े चराने के लिए जाऊं, इतने जोर से किलकारी मारते रहूंगा ना, तेरे कान में आवाज आती रहेगी, इसलिए कोई चिंता मत करो। अभी उसी दिन हर घर घर में खीर और मालपुआ बनाई गई, कृष्ण बलराम को वहां पर उन्होंने खाना सबके घर घर में खाए, और मैया जसोदा सवेरे से लेकर कृष्ण को स्नान करा रही है, दाऊ भैया को स्नान करा रही है। कृष्ण आज जीवन में पहला बार कृष्ण हमसे दूर जाएगी, हैं? इसलिए अगर थोड़ी दूर जाए ना, फिर मैया जाकर फिर उनका आलिंगन करती है, फिर गोद में भर लेती है। ऐसे ही कृष्ण बछड़े चढ़ाते रचार, जब यहीं पर कृष्ण आए, एक दिन सखाओं दाम वसुदाम श्रीदाम सखाओं के साथ में खेलते खेलते, इतने में कृष्ण ने कहा सखाओं तुमको पता है मैं कौन हूँ? बोले हमें अच्छे तरह से पता है, तुम मक्खन चोर हो, हैं? तुम कृष्ण कन्हैया हो, हमारा दोस्त है। बोले तुम लोग ग्वाल वाल, तुम लोग मेरे को क्या जानते हो? अरे मैं कौन जानता हूँ, जो नारायण है, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, जिसकी इच्छा से विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है, इसलिए जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जितने मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह ये जितने अवतार है ना, मैंने ही ये युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को विनाश करता हूँ। बोले तू ऐसे टीका करता है, हम ये है ये है। श्रीदाम कहता है तेरे को हम युद्ध करते करते हम स्वयं तेरे को पछाड़ देते, कहता भगवान हो गया है। कृष्ण ने कहा देखना चाहते हो? बोले क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे? तो सखाओं को बता है ये कभी कभी थोड़ा जादू विद्या दिखा देता है, हाँ? कभी कभी बड़ा बड़ा आश्चर्य चीज दिखा देता है, कभी कभी ये है, कभी कभी आग पान कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। इतने में कृष्ण ने यही पर उन्होंने बारो हाथ को उन्होंने प्रकट किया है, जो प्रकट किया नारायण स्वरूप धारण किया। इतने में जो श्रीदाम भैया था उसने गरुड़ बन गए,
और कृष्ण उनको पीठ के ऊपर बैठे बैठ करके यहाँ पर उनको उड़ाया और यहाँ पर उन्होंने ये लीला की है। इसलिए ये जो विग्रह आप लोग दर्शन कर रहे हो, इसको बज्रनाभ ने ही सांडिल्य ऋषि को द्वारा लेकर के कृष्ण जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे लीला की थी, वो लीला के अनुरूप उन्होंने वहीं पर सारे मूर्ति बनाए। ये विग्रह, ये द्वापर युग का ये बज्रनाभ को द्वारा ये बनाया हुआ विग्रह है। लेकिन परवर्ती समय में औरंगजेब का आक्रमण होने पर, मुसलमान का आक्रमण होने पर, जैसे गोविंद गोपीनाथ मदन मुनि ठाकुर को जहां तहां छुपा दिए, उन्होंने क्या किया, ये जो ठाकुर था, ये जो सरोवर देख रहे हो, ये सरोवर में ये मुसलमान लोग आकर के ठाकुर को तोड़ देते हैं, उन्होंने इस सरोवर में ही फेंक करके चले गए। लेकिन परवर्ती समय पर यहाँ पर ऐसे कोई शुद्ध संत आए, साधु भजरा नदी साधु आए, जब आए ठाकुर जी उनको स्वप्न दिया, बोले देखो मैं बज्रनाभ को द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह हूँ, मुसलमान का आक्रमण से मेरे को ये कुंड में छोड़ करके चले गए, अभी आओ आओ यहाँ से मेरे को निकालो। फिर उन्होंने इसी सरोवर से निकाल करके फिर विग्रह को स्थापन किया। ये पिछली बार अभी आप लोगों को दिखाया है कि नहीं पता नहीं, वो जो कपड़ा है ना, दिखाया आप लोगों को, दिखाया ना, इसलिए जो कपड़ा को हटा होगा देखोगे, हाँ वो उठा करके आप लोग देखे होंगे, एकदम गरुड़ के ऊपर में भगवान 12 भुजों को प्रकट करते होंगे, एकदम गरुड़ के ऊपर में ठाकुर जी बैठे हैं, इसलिए इनका नाम है गरुड़ गोविंद है। कहते जो गरुड़ है, हर विष्णु मंदिर में आप लोग देखिएगा गरुड़ जरूर है, हैं गरुड़ स्तंभ, हर मंदिर में गरुड़ स्तंभ है, क्योंकि ये गरुड़ जी की नियम है। महाप्रभु जो पुरी में थे, जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे डायरेक्ट नहीं, पहले तो महाप्रभु अंदर में प्रवेश करने के लिए चाह रहे थे, लेकिन मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन उसके बाद में महाप्रभु डायरेक्ट कभी भी जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं करते थे, इसलिए गरुड़ स्तंभ को पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है ये गरुड़ भगवान का वाहन है, जब तक ये गरुड़ की भक्त है, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक ठाकुर का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय एहन पामर प्रति हवे न सदय, जब तक वैष्णव का कृपा नहीं हो, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो, हम सोचे कि गुरु वैष्णव को उल्लोघन करके इनको छोड़ छाड़ करके डायरेक्ट कृष्ण के पास में पहुंच जाएंगे, बोले नहीं कभी नहीं जा सकते हो। इसलिए वैष्णव का कृपा हो, गुरु जी की कृपा हो, तभी जाकर कहीं ठाकुर जी को हम दर्शन कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी अंतिम दर्शन वृंदावन का और गरुड़ गोविंद है, क्योंकि इनकी कृपा से ही हम भगवत दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हम गुरु जी से प्रार्थना करें, गुरु जी से प्रार्थना करें, वैष्णव लोग से प्रार्थना करें, हैं बोले कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हार सकत याचे आमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे। इसलिए जो ठाकुर जी वैष्णव का धन है, हृदय किसका, हृदय का धन, बोले वैष्णव का हृदय का धन ये ठाकुर जी है। इसलिए जब तक इनकी कृपा नहीं हो तब तक भगवत भक्ति जगत में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें, गरुड़ जी से, गुरु वैष्णव से प्रार्थना करें, ये सब के सब हम लोगों पर आशीर्वाद करें, एक दिन हम ठाकुर जी की कृपा और भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं।